हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, या आ सकता है दूसरी तरीका से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच में टी मोटाई की कांच की पट्टी रखी हो। दोनों तरीका से पूछ सकता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो देखते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उसमें दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट होती है धन की और दूसरी प्लेट होती है ऋण की। यह है आपकी एक्स प्लेट और यह है आपकी वाई प्लेट। इनके बीच की दूरी है स्मॉल डी, प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल डी। जब एक्स प्लेट को स्रोत के द्वारा, किसी स्रोत के द्वारा जब इसमें हम प्लस क्यू कूलम का आवेश देते हैं, प्लस क्यू कूलम का इस तरीका से आवेश देते हैं, तो बाई प्लेट के अंदर की ओर ऋण आवेश, बाई प्लेट के अंदर की ओर ऋण आवेश और बाहर की ओर धन आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन जो बाहर की प्लेट है वो हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस धन आवेश को, पूरे धन आवेश को उदासीन कर देते हैं। ये पृथ्वी है। अब इसमें ये कह रहा है जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, इनकी प्लेटों के बीच में, इनकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, यानी कोई कांच की पट्टी हो या कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा होता रखा रख सकता है। अभी ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसमें पूरे में क्या रखी हुई है, अभी बाय भरी हुई है। जब इसमें हमने कोई पट्टी रख दी, जैसे हमने ये मान लो कांच की पट्टी रख दी टी मोटाई की, इन प्लेटों के बीच में हमने इस तरीका से टी मोटाई की, ये टी मोटाई की जब हम कांच की पट्टी रख देते हैं, कांच की पट्टी जिसका परावैद्युतांक के हो, तो अब ये प्लेट इस धनावेश के कारण इधर तो हो जाएगा आपका ऋण उत्पन्न, यहाँ पर हो जाएगा ऋण आवेश उत्पन्न, और इस धन के कारण इधर हो जाएगा आपका धन आवेश उत्पन्न। इस तरीका से धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो इस बाहर वाली प्लेट के बीच भी धन और ऋण उत्पन्न है, तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। यानी ये यहाँ पर जब ये पहले में वायु थी, अगर इसमें टी मोटाई कांच की पट्टी रख दी, तो इसमें इधर और इधर क्या हो जाएगी, इधर और इधर हो जाएगी आपकी इस तरफ और इस तरफ, इसमें ये बाय भरी है और बाय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E1 और ये कांच की पट्टी में तीव्रता मान ली है E2। कांच की पट्टी में तीव्रता कितनी मान ली है E2। भाषा समझ लो इसकी, मान इसमें x और y धातु की दो प्लेट होती है, x प्लेट को स्रोत से जब प्लस की कूलम का आवेश देते हैं, तो इसके यानी इस धनावेश के कारण, बाई प्लेट के अंदर की ओर ऋणावेश तथा बाहर की ओर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ से पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाकर के इस धनावेश को उदासीन कर देते हैं या निरावेश कर देते हैं। अब इन प्लेटों के बीच में, इन्हीं प्लेटों के बीच में टी मोटाई की कांच की पट्टी रख दी है जिसका परावैद्युतांक के है, और ये दोनों पट्टियां परस्पर स्मॉल डी दूरी पर रखी गई है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपका मान लेंगे हम ए, और आवेश का पृष्ठघनत्व हो जाएगा सिग्मा। आवेश का पृष्ठघनत्व कितना हो जाएगा सिग्मा। ये जितनी क्षेत्रफल इन प्लेटों का है, उतना ही क्षेत्रफल इन प्लेटों का होगा, दोनों का होगा, यानी क्षेत्रफल और आवेश का पृष्ठघनत्व तो समान है। तो इसमें भाषा बस केवल इतना लिखोगे कि इसमें एक्स और वाई दो प्लेट हैं, एक्स प्लेट को स्रोत से जोड़ा जाता है जबकि वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। दोनों प्लेटें परस्पर स्मॉल डी दूरी पर रखी हुई है। प्लेटों के बीच में टी मोटाई की कांच की पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक के है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके बाद में निकालते हैं विभवांतर। तो हम पहले निकालेंगे इस बाय में, प्लेटों के बीच बाय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां लिखोगे प्लेटों के बीच बाय में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यहां पर E1 तीव्रता का सूत्र होता है प्लेटों के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा के स्थान रखते हैं क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका E1 का मान हो गया E1 बराबर क्यू अपॉन ए
एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में निकालेंगे कांच की पट्टी में, कांच की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कांच की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E2 बराबर अब इसके बीच में परावर्तनांक है K, तो हम सूत्र लगाएंगे सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा यहाँ पर K, सिग्मा का सूत्र खोलोगे सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A और यहाँ आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। अब जो E1 तीव्रता है वो y में है, जो कितनी दूरी पर होगी, टोटल दूरी है d और इसमें t मोटाई की पट्टी और रख दी है हमने, तो ये जो दूरी बचेगी वो आपकी बचेगी d माइनस के t। कितनी बचेगी d माइनस के t, जैसे खेत है आपका ये दो बीघा का खेत है, इसमें एक बीघा में कोई फसल बो दी है तो खाली जो बचेगा वो एक बीघा खेत बचेगा। ऐसे ही ये पूरे में हमने ये प्लेटों के बीच पहले क्या थी y भरी हुई थी, लेकिन अब इनके बीच में हमने टी मोटाई की पट्टी रख दी यानी इतनी जगह घिर गई, तो अब बचेगी कितनी खाली जगह, कितनी बचेगी डी माइनस के टी। इस टोटल में से ये दूरी घटा दोगे तो ये बचाएगी डी माइनस के टी, यानी जो बाय में जो तीव्रता है इवन जो तीव्रता बाय में है वो डी माइनस के टी दूरी में है, और जो कांच की पट्टी में ई टू तीव्रता है वो टी दूरी में है। तो यहां लिखोगे इवन तीव्रता वायु में है जो कि d माइनस के t दूरी में है और E2 तीव्रता कांच की पट्टी में है, जो कि स्मॉल टी दूरी में है, अब हम निकालेंगे इसके कारण विभवांतर और इसके कारण विभवांतर, यानी ये बाहर वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र है तो विभवांतर उत्पन्न होगा और अंदर वाली प्लेट के बीच भी वैद्युत क्षेत्र है तो विभवांतर उत्पन्न होगा। हम टोटल विभवांतर निकालेंगे तो इसके विभवांतर और इसके विभवांतर को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो एक अदिश राशि होती है, तो हम निकालेंगे विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर, टोटल विभवांतर निकालेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर उवी बराबर इसके बाहर वाले के कारण मान लेंगे उवी वन, क्योंकि तीव्रता ई वन है तो विभवांतर मान लेंगे वी वन, अंदर वाले के प्लेटों के बीच में जो टी मोटाई कांच की पट्टी रखी है उसकी तीव्रता है ई टू, तो विभवांतर मान लेंगे उवी टू, विभवांतर मान लेंगे उवी टू, दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल विभवांतर आ जाएगा। अब विभवांतर का सूत्र होता है पीछे बताया था ई बराबर उवी अपॉन डी से, E बराबर V अपॉन D से UV का मान निकालोगे तो हो जाएगा ED, UV बराबर क्या आएगा ED, तो ये UV1 है तो यहाँ आएगा आपका E1 और जो D दूरी है, अब जो E1 तीव्रता है वो कितनी दूरी में है आपकी D माइनस के T, तो यहाँ पर जो दूरी होगी D वहाँ यहाँ लिखेंगे हम D माइनस के T प्लस, ऐसे ही UV2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे और जो दूरी होगी यहाँ पर कितनी आएगी T, क्योंकि UV2 जो E2 तीव्रता है वो इस टी दूरी में है, यानी ई टू तीव्रता है वो कांच की पट्टी में है जो कितनी दूरी में है टी दूरी पर, तो यहाँ भी सूत्र खोलेंगे उवी बराबर ई डी, ई के स्थान पर ई टू और डी के स्थान पर आएगा टी। अब ई वन और ई टू के मान उठा के रखोगे यहाँ से, ई वन का मान है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ रखा जाएगा आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और दूरी है इसकी डी माइनस के टी प्लस ई टू का जो मान है वो है क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट और यहाँ है ये टी, पूरे में से कॉमन है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और यहाँ भी है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन लोगे बाहर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा आपका डी माइनस के टी प्लस टी ऊपर रहेगा और नीचे बचेगा आपका के टी अपॉन के। अब निकालेंगे उस अब विभवांतर के बाद में निकालेंगे धारिता, धारिता का सूत्र होता है धारिता सी बराबर क्यू अपॉन उवी, तो सी बराबर क्यू अपॉन उवी, उवी का मान ये रखोगे यहाँ पर उठा के नीचे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा डी माइनस के टी प्लस के
टी बट्टे के, क्यू से क्यू कैंसिल कर दोगे, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी माइनस के टी प्लस के टी बट्टे के। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। धारिता का मात्रक होता है फैराड, धारिता का मात्रक होता है फैराड। अब नोट पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद में नोट पॉइंट लिखाएंगे। अब देखो इसका नोट पॉइंट देखो समझो, यदि प्लेटों के बीच में, अभी तो हमने टी मोटाई कांच की पट्टी रखी थी, यदि हम प्लेटों के बीच में पूरी तरीका से कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, यानी टी मोटाई में तो परावैद्युतांक है के, अगर हम ये परावैद्युतांक यानी प्लेटों के इस तरीका से पूरी तरीका से भर दिया जाए तो नोट पॉइंट करके डालोगे, नोट पॉइंट फर्स्ट। यदि प्लेटों के बीच में पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तब जो टी का मान होगा वो किसका आ जाएगा, डी का, क्योंकि ये टी है वो यहाँ तक यहाँ आ जाएगी, क्योंकि पूरी इस प्लेटों के बीच में इस तरीका से पूरी तरीका से परा हुआ है, तो ये टी का जो मान होगा वो इस डी के बराबर हो जाएगा। तो जहां भी टी है वहां क्या रखेंगे हम, डी। तो ये हो जाएगा आपका सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे यहाँ डी माइनस के, और इस टी के स्थान पर क्या रखोगे, डी माइनस के डी प्लस टी के स्थान पर रखोगे डी बट्टे के। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, के कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। ये सूत्र है जब प्लेटों के बीच में पूरी तरीका से परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो सूत्र आएगा समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अब नोट पॉइंट सेकंड पूछ सकता है, कभी कभार पूछ लेता है, यदि प्लेटों के बीच में टी मोटाई कांच की पट्टी न रखे, अगर टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाए तो धातुओं के लिए, हमने पीछे बताया था धातुओं के लिए जो के का मान होता है वह अनंत होता है, धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, अनंत। सेकंड पॉइंट डालोगे नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट सेकंड, यदि प्लेटों के बीच में, नोट पॉइंट सेकंड, यदि प्लेटों के बीच में टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो तो धातुओं के लिए जो के का मान होता है वह होता है अनंत। तो इसी सूत्र में जहां के है वह अनंत रखोगे तो ये हो जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस के टी प्लस टी बट्टे यहाँ आएगा अनंत, क्योंकि जो पट्टी है वो टी मोटाई की है लेकिन किसकी रखी हुई है, धातु की रखी हुई है। तो जहां भी धातु के लिए के का अनंत होता है, जहां भी के है वहां अनंत रखोगे और बाकी जो भी है वही रखोगे और बाकी सामान चेंज नहीं करोगे। तो इसका ऐसे भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे टी माइनस के टी, ये हो जाएगा शून्य। तो जब टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाए तो ये धारिता का जो सूत्र होता है वह आता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे डी माइनस के टी। तो ये पूरा आपका डेरिवेशन सॉल्व हो गया।